बर्फी खाओ बर्फी यही वाली ना क्योंकि पहले गिफ्ट मिलिया। देखो मेरा गिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड मेमोरीज देख रहे हैं। ये फोटो होगी करीब करीब 25 साल पुरानी। गाइस ये देखो बाथरूम में बैठे हैं शाम तारा। लड्डू ये क्या गंदी हरकत करी तुमने। इस रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो अगर आप गुड़गांव से फरीदाबाद जा रहे हो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर अनदर न्यू व्लॉग। आज है रक्षाबंधन और हम सभी जा रहे हैं फरीदाबाद और हमारा लड्डू भी जा रहा है। अरुण ने राखी बांधी थी। इस बार लड्डू को कोई राखी नहीं बांधेगा क्योंकि अरुण नहीं है। अरु गई है टीकमगढ़। अरु गई है टीकमगढ़। लड्डू लड्डू मस्त बढ़िया खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है। चक्कर में ना खिड़की खोल के रखना पड़ रही है। एसी भी चल रहा है, खिड़की भी खोल के रखना पड़ रही है। उसे ये नहीं है कि उसे गर्मी लग रही है इसलिए वो बाहर निकाल एंजॉय करता है। उसे बाहर देखता है, सूंघता है, 10 तरीके की चीजें, तो उसे बड़ा मजा आता है। इस चक्कर में हमें खिड़की खोलनी पड़ती है। जय हो बजरंगबली मंदिर है यहाँ पे, तो हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे। बड़ा अच्छा मंदिर है और ये जल्दी से चलते हैं फरीदाबाद क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़े से लेट हो गए हैं। बट स्टिल मुहूर्त 1 बजे के आसपास का ना, तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ मम्मी लोगों ने हमें बताया, हम अपने मन से कहाँ पता करेंगे, मम्मी बताई है ना। चलते हैं जल्दी जल्दी। हम लोग हैं फरीदाबाद वाले रास्ते पे और यार बारिश मानसून के टाइम पे ना ये रास्ता इतना ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ग्रीन 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 चारों तरफ। चलो आज आपको दिखाती हूँ पूरी हरियाली, खूबसूरत सा ऐसा लगता है गुड़गांव में है ही नहीं, कहीं और आ गए हैं। तो वही ये हालत है यहाँ के गुड़गांव फरीदाबाद टोल की। और इतना साल हो गया है फास्टैग को आए हुए, बट अभी तक इस पे फास्टैग नहीं आ पाया है। इसके चक्कर में आप देख रहे हो ना कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट का रूल है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसा रूल है कि जब सब जगह फास्टैग कंपलसरी कर दिया है। कब से हो चुका है कंपलसरी, इसको भी हुए कितना साल हो चुका है। वही तो। और अगर हम लोग बिना उसको रिचार्ज किए हुए पहुँच जाए फास्टैग को तो डबल देना पड़ता है यार। ये तो मतलब दोगुना पंती है। इस रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो अगर आप गुड़गांव से फरीदाबाद जा रहे हो और आप मूर्ति देखोगे ना, इतनी ऊंची मूर्ति है, 108 फीट या समथिंग लाइक दैट है, लेकिन बहुत ही जाइगेंटिक मूर्ति है ये। घूमने आए और यहाँ नजारा देखो, चारों तरफ एकदम हरियाली है। और भाई भाई यहाँ के ना एकदम मजा आ जाता है, बड़ी ही शांति मिलती है यहाँ के। और ग्रीनरी है चारों तरफ यहाँ पे। जय बजरंगबली। लड्डू ये क्या गंदी हरकत करी तुमने है, बदतमीज। देखो अभी भी मान नहीं रहा है, गंदी हरकत कर रहा है जगह जगह। तो पहुंच गए फरीदाबाद, गाड़ी वाड़ी लगा दी है, फटाफट जाएंगे ऊपर। लड्डू बेचारे को सुसु लग रही थी तो उसने यही कर लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। लड्डू कहाँ गए भाई? नमस्ते नमस्ते। लड्डू कौन आया है? जाओ लड्डू घूमो जाओ। बाल कटवाए नहीं, बाल झड़ गए किचन में नहीं। देख रहा है पूरा जायजा ले रहा है। गाइस ये देखो बाथरूम में बैठे हैं शांताराम। शांताराम फ्रिज का पानी तो बंद हो गया। शांताराम को बाथरूम में छुपा दिया गया कोई भी, ताकि लड्डू से डर न जाए। ये हार्ट पेशेंट है शांताराम। शांताराम हेलो। लड्डू को शांताराम की खुशबू आ रही है, तो लड्डू इधर उधर देख रहे हैं कि भाई शांताराम है कहाँ पे। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ लड्डू, चलो इधर आ जाओ आ जाओ। ये देखो भाई इडली का साइज देखो, छोटू इडली टेस्टी है, जबरदस्त। क्यों भाई? बढ़िया। दीदी को तो बोला था हमने कुकिंग का चैनल खोलने को। दीदा जी कह रहे थे क्या एक्सपेरिमेंट करती है, कोई इडली छोटी सी बना दी। दीदी को कब का बोला था? दीदी के बस की नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड मेमोरीज देख रहे हैं। ये फोटो होगी करीब करीब 25 साल पुरानी, दीदी की और पुराने घर की। कच्चा घर था पहले, ऐसे पेड़ लगे थे बीच में। और ये भैया की शादी की है, ये इतर की है, ये है दीदी की शादी। कितनी साल पुरानी है ये? 27 साल। ये शादी के लिए खींचती थी ऐसी स्टूडियो में जाके। हमारी मम्मी ने खिंचवा दी थी बचपन में। ये सब पुरानी फोटो। ये देखो गाइस एक मेरी भी पुरानी फोटो मिल गई है, 20 साल पुरानी, लंदन डॉन। पहले सही लगते थे, आज कह रहे हैं। ये देखो मेरी फोटो और मेरी ड्रेसिंग स्टाइल देखो, बेल बॉटम चलते थे उस टाइम पे पहले। चलो भाई रक्षाबंधन का गिफ्ट, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पहले से गिफ्ट वाली राखी बांधी नहीं है, राखी बन जाएगी थोड़ी देर में। लो ये तुम्हारा गिफ्ट। कैसा है? मेरा नंबर कब आएगा कि नहीं आएगा? अभी क्या हुआ, दीदी को गिफ्ट दे दिया, आदि को दे दिया, ये बैठा हुआ था, ये लो आदि। मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा?
ईयरबड नहीं, OWS है, मतलब जो कान के ना ऊपर लगाया जाता है, इससे कान सेफ रहता है। और हम जा रहे हैं राखी बंधवाने, टाइम हो गया है, मुहूर्त हो गया रक्षाबंधन का, और यहाँ पे सब सेटअप लगा हुआ है। लड्डू खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा डालना पड़ रहा है कुछ, तब ये खाना खा रहे हैं, आधा छोड़ के चले गए हैं। उन लोग की सबकी पहले ही आ जाती है राखी टाइम से। वीडियो का सवाल है, वीडियो का सवाल है। बर्फी खाओ, बर्फी यही वाली ना, तीनों जन की एक साथ बंदगी खाओ, यही पकड़ना पड़ रहा है, पकाओ। चलो थैंक यू, मुरब्बा खाओ, ऑर्डर आ गया होगा। ये क्यों बांधी जाती है राखी, क्यों बांधी जाती है, भाभी को भी बांधी जाती है भाई, अच्छे का धागा है भाई, भाई और भाभी दोनों को बनती है, और शादी के बाद भाभी भी करे करे भाई शादी के बाद। लड्डू आ जाओ, लड्डू तुम भी बंधवाओ, लड्डू आ जाओ, देखो लड्डू भी आ गया राखी बंधवाने, लड्डू कोई बांध दो, मैं खरगोश कभी तो बांध दो कोई राखी, खरगोश की बहन नहीं आई, देखें कैसा है। मैं लेने वाली थी, मुझे दीदी ने गिफ्ट कर दी, मेरा पैसा बच गया, मानसी को तो मिठाई खिलाई, देखो सुंदर लग रही है ना, बहुत बढ़िया, खुला लड्डू भी राखी बंधवा रहे, लड्डू की राखी बन गई। सोई हम लोग बैठ गए खाने पर, खाने में है पनीर छोला अच्छा पराठा, और ये है सेवैयां की खीर। सो भाई लंच हो गया है डन, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, लड्डू ऑलरेडी रेस्ट करने में लग गया है, लड्डू आँख खोल के रेस्ट कर रहा है, नजर रखे हुए हम लोग पे, हम लोग खिसकना चाहे भरोसा नहीं है लड्डू, भरोसा नहीं है, आँख खोल के रेस्ट कर रहा है लड्डू, आँख बंद कर लो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, आंख बंद कर लो लड्डू। ये देखो लड्डू को शांताराम से मिलना है, शांताराम अंदर बंद है, अभी समझ नहीं आया लड्डू को, अब मिल गया शांताराम, शांताराम मिल गया लड्डू को, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। कुछ देखो एकदम उड़ी जा रही है, लड्डू जा रहे हैं टहलने अभी के साथ, लड्डू बाय जाओ घूम के आ जाओ फटाफट, झंडा देख रहे हैं, लड्डू आ गए घूम के, लेकिन लड्डू का टारगेट है कि वो खरगोश मिल जाए, कहीं शांताराम मिल जाए। ये हर बार क्यों दी पोटली दी जाती है, खुद ही डाली जाती है, क्योंकि पहले के लोग दो तीन दिन में पहुंचते थे, तो उन्हें दिया जाता था चावल के बीच में, बना के खा लो रास्ते में, बैलगाड़ी से जाते थे पहले, तुम बना के खा लेना चावल को, तो इसमें डाल दो दो तीन दाने, आगे बढ़ो। सुबह सब निकलते हैं फटाफट, रक्षाबंधन हो गया है डन, और बारिश भी हो सकती है किसी भी टाइम, मौसम देखो एकदम तगड़ा हो रखा है। गाइस निकल चुके हैं हम लोग फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से निकलते इन्होंने इतना गलत टर्न लिया, और आधा फरीदाबाद घुमा के वापस उसी ट्रैक पे आ गए जहाँ से हमें जाना था। कितना घुमाओगे फालतू का, तुम्हें तो कहती थी घुमाते नहीं है, घुमाते तो ये थोड़ी ना घुमाने की रास्ता भटक के घुमा रहे, मतलब हद होती है, साल साल भर में आते हैं, साल भर बाद आए फरीदाबाद तो क्या ही करें। ये देखो पीछे हाउ हाउ करने वाला, ये देखो दो घंटा पहुँच रहे हैं, और आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, बात ही अंधेरा हो जाएगा, घर में तुम्हारी लाइट नहीं है, नहीं है हमारे घर में मोमबत्ती जलती है और अभी भी लालटेन जलता है। चलो भाई बाय, गुड नाइट, चंपा खैर, शुभ रात्रि।